नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से आईटी प्रक्षेत्र में प्राप्त करें प्रशिक्षण। बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हुई सतर्क। 9वीं के छात्रों के लिए पंजीयन आवेदन पत्र भरे जाने को लेकर आवश्यक सूचना। मौसम केंद्रों से मिलेगी मिट्टी की नमी की जानकारी। आज है धोनी का जन्मदिन, फैंस ने की जश्न की तैयारी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में 1104 पदों पर 10वीं और ITI वाले के लिए भर्ती। उत्तर पूर्व रेलवे के द्वारा मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर, डीजल सेट इज्जत नगर, कैरेज एवं वैगन लज्जत नगर, कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन, डीजल सेट गोंडा और कैरेज एवं वैगन वाराणसी के लिए कुल 1104 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं पास किया होना अनिवार्य है और साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उनके पास डिप्लोमा की डिग्री है, वे आवेदन के योग्य नहीं है। इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://rrcgorakhpur.net/ पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। आज है धोनी का जन्मदिन, फैंस ने की जश्न की तैयारी। आज यानी कि 7 जुलाई को भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन है। ऐसे में उनके जन्मदिन को लेकर उनके फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा। बता दें कि उनके जन्मदिन को लेकर फैंस की ओर से पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इसी कड़ी में फैंस के द्वारा हैदराबाद में धोनी का काफी लंबा कटआउट लगाया गया है, जो कि 52 फीट लंबा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई है, जिसे लोगों के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और साथ ही लोगों के द्वारा इस कटआउट को लाइक करते हुए अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी गई है। बता दें कि धोनी के 52 फीट लंबी इस कटआउट की तस्वीर धोनी के एक फैन क्लब के द्वारा ट्वीट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धोनी ने अपनी कप्तानी में वर्ष 2011 में भारत को विश्व कप का खिताब जितवाया था। अपने 90 टेस्ट मैचों के करियर में 6 शतक और 33 अर्धशतक के साथ उन्होंने 4,876 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने 350 वनडे मैचों में 10 शतक और 73 अर्धशतक के साथ 10,733 रन बनाए, जबकि उन्होंने 98 T20 मैचों में 1,617 रन बनाए हैं। वहीं धोनी ने IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए 5 बार IPL का खिताब जितवाया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह के बारे में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तथा अधिवक्ता थे। ये बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण सिंह 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार भारत का पहला राज्य था जहां सबसे पहले उनके नेतृत्व में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन उनके शासनकाल में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ वे भी आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण सिंह बड़े ओजस्वी अधिवक्ता थे। ये 1937 में केंद्रीय असेंबली के और 1937 में ही बिहार असेंबली के सदस्य चुने गए। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर उन्होंने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने त्याग पत्र की धमकी देकर अंग्रेज सरकार को झुकाने के लिए बाध्य कर दिया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सिंह को बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये जेल में बंद रहे। 1946 में कृष्ण सिंह फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर बने रहे। इनके कार्यकाल में बिहार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, सिंदरी का खाद कारखाना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना, मुकाना में गंगा पर पुल इनमें से विशेष उल्लेखनीय है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अब PhD जरूरी नहीं। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के द्वारा देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की सीधी भर्ती के लिए PhD की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट सेट या स्लेट होना अब न्यूनतम योग्यता है। बता दें कि यह व्यवस्था 1 जुलाई 2023 से लागू हो चुकी है। हालांकि इन सब के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रमोशन के लिए PhD की अनिवार्यता की शर्त को पहले की तरह ही लागू रखा गया है।
मालूम हो किस बात की जानकारी यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि द हिंदुस्तान टाइम्स की फरिया इफ्तकार लिखती है, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि इस कदम से उन इच्छुक उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो शिक्षाविदों में शामिल होना चाहते हैं। यदि वे NET, SET, SLET पास कर लेते हैं तो वे सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने के पात्र बन जाएंगे। हालांकि किसी दिए गए अनुशासन में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राप्त आवेदन की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए प्रबंधीय संख्या में उम्मीदवारों को आमंत्रित करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग मानदंड UGC द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों से ऊपर तक किया जा सकता है। कुमार ने स्पष्ट किया कि एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर पदोन्नति के लिए अभी भी PhD की आवश्यकता होगी। 15 साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी की समय सीमा बढ़ी। पुराने वाहन अधिक पॉल्यूशन पैदा न कर सके इसके लिए 15 साल पुराने वाहनों को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में इन 15 साल पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी के समय को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें इस बात की जानकारी बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी को 2 बार पहले भी 1 महीना के लिए बढ़ाया गया था, अब 1 बार फिर से 1 महीना के लिए और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पहले जब बढ़ाया गया था तो वाहन मालिकों की ओर से आवेदन नहीं आया था। इसी को ध्यान में रखते हुए वाहन मालिकों को असुविधा न हो बिहार सरकार ने 1 महीना और बढ़ाने का फैसला लिया है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं यह बिहार सरकार की कोशिश है। बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत नए वाहनों की खरीद में कई तरह की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से IT प्रक्षेत्र में प्राप्त करें प्रशिक्षण। IPRD बिहार के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से चलाई जा रही बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवक युवतियां कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से IT प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने सपने साकार कर सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए इस पोस्ट से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि अब तक इस मिशन के तहत कुल 29,392 युवाओं के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। वहीं वर्तमान में 176 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 3,898 युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। बता दें कि अगर आप स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप जारी किए गए नंबर 1800123-6525 पर कॉल कर या स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। जातीय गणना पर लगातार 5वें दिन भी होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई पिछले 4 दिनों से जारी है। वहीं आज यानी कि 6 जुलाई सुनवाई के 5वें दिन भी यह सुनवाई जारी रहने वाली है। बता दें कि बीते दिन हुए सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK साही के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि यह सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रित करना है जिसका उपयोग उनके कल्याण और हित के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान किसी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और ऐसा सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार के अधिकार में है। इस सर्वेक्षण में किसी के निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा। सबसे पहले हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए राज्य सरकार द्वारा की जा रही जातीय व आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने यह जानना चाहा था कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि यह अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। साथ ही यह भी जानना चाहा कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या। बाढ़ को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग हुई सतर्क। हर साल बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। इस बाढ़ के कारण कई बार जान माल की क्षति भी हो जाती है। इसे देखते हुए बिहार सरकार भी बाढ़ आने के पूर्व हिस्से निपटने की पूरी तैयारी में लग जाती है। इस बार भी बिहार सरकार ने यह तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल इसे देखते हुए राहत शिविर, सामुदायिक रसोई आदि के जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। बता दें कि बिहार के 5 जिलों में NDRF और बिहार के 21 जिलों में SDRF तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा 4700 निजी नाव और 1500 सरकारी नाव की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही सभी जिलों के DM के साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक कर सलाह दी है कि राहत बचाव कार्य के लिए तैयार रहे। बताते चले कि राज्य में कुल 29 जिले बाढ़ प्रभावित वाले जिले हैं जहां लगभग हर साल बाढ़ जैसी आपदा देखने को मिलती है। KK पाठक और आनंद किशोर ने पटना के इस स्कूल का किया औचक निरीक्षण। बीते दिन अचानक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर बिहार की राजधानी पटना के एक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने इस स्कूल का औचक निरीक्षण किया और साथ ही स्कूल के टीचर और प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि इस दौरान छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति को देखकर दोनों काफी खुश हुए। वहीं उन्होंने मंच से शिक्षकों और बच्चों को संबोधित भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि KK पाठक और आनंद किशोर पटना के शास्त्री
नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। मालूम हो कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि प्रार्थना सभा के आयोजन के क्रम में समाचार वाचन बच्चे करते हैं और सुविचार भी रखते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान भी यह स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में रहा है। पूरी परीक्षा कदाचार मुक्त संचालन हुआ है। बिहार के इस युवक का सेपक टाकरा टीम में हुआ सिलेक्शन। 8 से 16 जुलाई के बीच थाईलैंड के बैंकॉक में कप वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप होने वाला है, जिसमें भारतीय टीम भी हिस्सा ले रही है। ऐसे में इस टीम में बॉबी कुमार का चयन हुआ है, जो कि बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। बता दें कि बॉबी कुमार सेपक टाकरा गेम में स्ट्राइक करते हैं। वहीं वे फिलहाल अपनी बाकी टीम मेंबर्स के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां से वे थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। बॉबी कुमार के द्वारा एक मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए बताया गया कि फिलहाल वे एशियन गेम्स पर फोकस कर रहे हैं और फिर वे ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे। वह वर्ल्ड चैंपियनशिप में पूरी कोशिश करेंगे कि चैंपियनशिप का खिताब भारत देश को मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेपक टाकरा भारत के नॉर्थ ईस्ट का प्रसिद्ध खेल है, जो कि वॉलीबॉल, फुटबॉल और जिमनास्टिक का मिश्रण है। इस खेल को सिंथेटिक फाइबर गेंद से दो प्रकार से खेला जाता है। पहला टीम इवेंट, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, तो वहीं दूसरा रेगू इवेंट, जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे बाबा गरीब स्थान मंदिर के बारे में। बाबा गरीब नाथ धाम भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। बाबा गरीब धाम भगवान शिव के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और इसे बिहार के देवघर के रूप में जाना जाता है। जिले और राज्य भर में भक्त यहाँ प्रार्थना करने आते हैं और अपने बेहतर जीवन की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में प्रार्थना करने का विशेष महत्व है, जो सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गरीबनाथ धाम का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ घना जंगल था और बीच में 7 पीपल के पेड़ थे। कहा जाता है कि इन पेड़ों की कटाई के समय रक्तलाल पदार्थ निकलने लगे और यहाँ एक विशाल शिवलिंग मिला। लोग बताते हैं कि जमीन मालिक के सपने में बाबा आए थे, तभी से यहाँ पूजा होती आ रही है। यह मंदिर तीर्थस्थल और पर्यटकों का स्थान है। राज्य में यातायात की अपेक्षा ट्रैफिक बल की क्षमता महज 25%। सड़क सुरक्षा पर गठित समिति की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि राज्य में हर दिन गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस बढ़ोतरी के हिसाब से मानव बल और जरूरी उपकरणों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। बता दें कि राज्य में हर साल औसतन 10 लाख गाड़ियों का निबंधन हो रहा है, लेकिन संसाधनों का अभाव है। इसके अलावा गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मानक के अनुसार राज्य में यातायात की अपेक्षा ट्रैफिक बल की क्षमता महज 25% है, जिससे कि कई शहरों में ई चालान भी नहीं काटे जा पा रहे हैं। बता दें कि इस मानक के अनुसार राज्य में 722 बॉडी वार्ड कैमरों की जगह 33 खरीदे गए हैं। वहीं 48 इंटरसेप्टर वाहनों की जगह 17, 77 स्पीड रडार गन की जगह 43, 1444 स्मार्टफोन की जगह 1367 और गाड़ियों को टो करने वाला 141 उपकरण की जगह 28 उपकरण खरीदे गए हैं। हालांकि अब सुरक्षा को लेकर कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य के 28 जिलों में ट्रैफिक थाना शुरू करने के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और राज्य के कई जिलों में ANPR कैमरे लगाकर ई चालान काटने की प्रक्रिया शामिल है। रेलवे कराएगी श्रीराम के श्रीलंका यात्रा का दिव्य दर्शन। IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म की ओर से 22 जुलाई से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामेश्वरम, तिरुपति, बालाजी समेत अन्य मंदिर के दर्शन करवाने के लिए एक बार फिर से भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जाने वाली है। त्रेता में श्रीराम के श्रीलंका यात्री का दिव्य दर्शन कराएगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन की शुरुआत बेतिया जंक्शन से होगी, जो 10 रात और 11 दिन के लिए होगी। बता दें कि इस ट्रेन का 2 पैकेज है, पहला इकोनॉमिक क्लास और दूसरा स्टैंडर्ड क्लास। मालूम हो कि भारत गौरव ट्रेन स्कीम के तहत रेल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने हेतु किराए में लगभग 33% का रियायत दे रही है, तथा उपरोक्त स्पेशल ट्रेन हेतु निर्धारित किराए में भी यह रियायत शामिल है। वहीं मुजफ्फरपुर के यात्रियों को एक साथ 10 टिकट बुक करने पर प्रति व्यक्ति 750 रुपए की छूट दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन पर यात्री जहां से चढ़ सकेंगे उनमें बेतिया, सुकौली, रामगढ़वा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, कुइल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, जामतारा, चितरंजन, आसनसोल, आद्रा और हिजली शामिल है। 9वीं के छात्रों के लिए पंजीयन आवेदन पत्र भरे जाने को लेकर आवश्यक सूचना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए 9वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीयन अनुमति आवेदन संबंधित विद्यालयों के प्रधान द्वारा समिति की वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com पर 17 जुलाई 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। बता दें कि जारी किए गए इस पोस्ट में बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से कुछ छात्र छात्राओं का पंजीयन अनुमति
आवेदन भरने के उपरांत निर्धारित शुल्क कतिपय विद्यालयों के प्रधान के द्वारा जमा नहीं किए गए हैं, जो अत्यंत चिंताजनक है तथा इसके कारण कई विद्यार्थियों का परीक्षा फल काफी अधिक समय तक लंबित रहता है, जो उचित नहीं है। इसलिए इस वर्ष यह प्रावधान किया गया है कि जितने छात्र छात्राओं का पंजीयन अनुमति आवेदन भरा जाएगा, उतने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क विद्यालय प्रधान द्वारा प्रथमतः जमा किया जाएगा। इसके बाद ही पंजीयन अनुमति आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑनलाइन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क नियमित कोटि के लिए 50 रुपए तो वहीं स्वतंत्र कोटि के लिए भी 50 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं ऑनलाइन डाटा एंट्री लुक नियमित और स्वतंत्र कोटि के लिए 50 रुपए, पंजीयन शुल्क दोनों कोटि के लिए 250 रुपए और अनुमति शुल्क के नियमित कोटि के लिए अभी कुछ निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि स्वतंत्र कोटि के लिए 130 रुपए निर्धारित किए गए हैं। मौसम केंद्रों से मिलेगी मिट्टी की नमी की जानकारी। राज्य में पहली बार मौसम केंद्रों से मिट्टी की नमी की जानकारी मिलने वाली है। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सहमति दे दी गई है और साथ ही तमाम मौसम केंद्रों में मिट्टी नमी सेंसर लगाए जाएंगे। मालूम हो कि यह काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले चरण के तहत राज्य के 10 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिनमें औरंगाबाद, बांका, बक्सर, जहानाबाद, जमुई, किशनगंज, शिवहर, सिवान, मधुबनी का, राजनगर और कैमूर का भभुआ शामिल है। यहाँ इस प्रयोग को किया जाएगा और उसके सफलता के आधार पर ही इस प्रयोग को दूसरे चरण के तहत राज्य के 534 प्रखंडों में लागू किया जाएगा। मालूम हो कि इस योजना को लेकर सरकार का यह लक्ष्य है कि इसे एक वर्ष के अंदर पूरे प्रदेश में हर हाल में क्रियान्वित कर दिया जाए। बता दें कि अगर ऐसा होता है तो इससे किसानों को कई लाभ मिलेंगे, जिनमें किसानों को खेतों में बुआई करने में सुविधा होगी, कितनी सिंचाई जरूरी है इसका अनुमान मिलेगा, मिट्टी के पोषण पर बृहद कार्य योजना बन सकेगी, सिंचाई में पानी की बर्बादी रोकी जा सकेगी, आपदा प्रबंधन में सुविधा होगा और साथ ही क्षति भी कम की जा सकेगी। पंकज त्रिपाठी समेत ये कलाकार है मिर्जापुर 3 में। वेब सीरीज मिर्जापुर 3 को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। बता दें कि इस वेब सीरीज का दोनों सीजन लोगों के द्वारा खूब पसंद किया गया था, वहीं अब तीसरे सीजन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर तहार फेम विजय शर्मा के द्वारा एक नई जानकारी दी गई है। दरअसल उन्होंने इंस्टा स्टोरी में अपनी तस्वीर शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि डबिंग किए हैं, तैयार रहिए MS 3। बता दें कि इस बार इस वेब सीरीज मिर्जापुर 3 में बिहार के लाल पंकज त्रिपाठी समेत कई लोग मौजूद हैं, जिनमें विजय शर्मा, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, हर्षिता शेखर गौड़, अली फजल, अमित सियाल, अंजुम शर्मा, सीबा चड्डा, मनोरुचि चड्डा, राजेश तैलंग शामिल है। मालूम हो कि मिली जानकारी के अनुसार यह सीरीज अगस्त और सितंबर के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। ऐसे में फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीजन 2 में पंकज त्रिपाठी ने कालिन भैया का किरदार निभाया था। आधार और राशन कार्ड को इस दिन तक करें लिंक। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिन्होंने अब तक अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार योग्य परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदने का लाभ लेने वाले राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में सरकार के द्वारा लोगों को सहूलियत देने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करवाने के लिए आखिरी डेट को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब लिंक करवाने का आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तक निर्धारित कर दिया गया है, जबकि पहले यह तारीख 30 जून 2023 तक था। मालूम हो कि वो लोग जो अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अपने आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक न करवाने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार दोनों कार्डों को इसलिए आपस में लिंक करवाना चाहती है ताकि लोगों को एक से अधिक राशन कार्ड लेने से रोका जाए और गरीबों की पहचान कर उन तक आसानी से राशन पहुंचाया जा सके। मालूम हो कि लिंक करवाने के लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट food.wb.gov.in पर जाना होगा। राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार के मौसम का मिजाज सावन के महीने की शुरुआत के साथ पूरी तरह से बदल चुका है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बता दें कि IMD बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 7 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भाग तथा उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 8 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो कल राज्य के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से कटिहार जिले में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। DPED पाठ्यक्रम के स्क्रूटनी के लिए आज से करें आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि DPED यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2020-22 के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनरीक्षण को लेकर यह जानकारी दी गई है कि इस परीक्षा का रिजल्ट 10 जून 2023 को जारी किया गया था। ऐसे में वे सभी परीक्षार्थी, अभिभावक या संबंधित प्राचार्यों से अनुरोध है कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष एवं सत्र 2020-22 के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा 2022 के परीक्षार्थी जिस विषयों के प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है उनसे अनुरोध है कि वह पुनरीक्षण के लिए समिति की वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com पर ऑनलाइन रूप से DPED अप्लाई फॉर स्क्रूटनी लिंक पर क्लिक कर पुनरीक्षण शुल्क 200 रुपए के साथ दिनांक 7 जुलाई यानी कि आज से दिनांक 12 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अतः परीक्षार्थी द्वारा पुनरीक्षण हेतु आवेदन करने के संबंध में विशेष जानकारी प्राचार्य को भेज गए दिशा निर्देश के आलोक में महाविद्यालय से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। कन्हैया को कांग्रेस में मिला बड़ा पद। कन्हैया कुमार को कांग्रेस के द्वारा अपने संगठन विस्तार को मजबूत कराने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए पार्टी के छात्र संगठन NSUI का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि कन्हैया कुमार को इस पद पर नियुक्ति किए जाने की घोषणा कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल के द्वारा की गई है। मालूम हो कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अपने तमाम संगठनों को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर छात्र संगठन NSUI से ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ना चाहती है जिससे कि पार्टी की स्वीकार्यता युवा वर्ग के बीच बढ़ेगी। ऐसे में यह जिम्मेदारी पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार को दी गई है जो JNU के छात्र संघ अध्यक्ष बनने के दौर से ही लोकप्रिय हुए थे। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक पर लालू यादव का बयान। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक को लेकर बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक निर्णायक होगी क्योंकि वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले NDA को घेरने के लिए प्रस्तावित मोर्चे को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम PM मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे, बीजेपी धीरे धीरे कमजोर हो रही है और खत्म हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विपक्षी एकता की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को आयोजित की गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। मीर जाफर की बंगाल के नवाब के रूप में 1763 को दोबारा ताजपोशी हुई। महाराणा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर कब्जा किया। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना 1948 में हुई। काबुल अफगानिस्तान में 2008 को हुए भारतीय दूतावास पर हमले में 41 लोग मारे गए। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह का जन्म 1656 में हुआ। मोहम्मद बरकतुल्ला का जन्म 1854 में हुआ, वो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता काला वेंकटराव का जन्म 1900 में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता राघव जी का जन्म 1934 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 1981 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ। रणधीर सिंह का जन्म 1878 में हुआ, वो प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी थे। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास का जन्म 1914 में हुआ। अनेक शोध निबंध स्तरीय भारतीय एवं विदेशी शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित अशोक कुमार सिंह का जन्म 1959 में हुआ। भारतीय सैनिक विक्रम बत्रा का निधन 1999 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का निधन 2014 में हुआ। वायरल में आज हम बात करेंगे MQ-9B ड्रोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे MQ-9B ड्रोन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साकेत गोखले ने MQ-9B ड्रोन के अधिग्रहण को लेकर दावा किया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है, यह अमेरिकी सरकार द्वारा उद्धृत कीमत है। कीमत और खरीद की शर्तों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और ये बातचीत के अधीन है। YouTube क्रिएटर्स वीडियो पर कमेंट्स से हैं परेशान, तो अपनाए ये ट्रिक्स। अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो जाहिर है आपको ढेरों कमेंट्स भी मिलते होंगे, लेकिन आपको इनको रोकना है तो आप कमेंट्स चाहते ही नहीं, तो आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। बता दें कि आप क्रिएटर सेटिंग में जाकर कमेंट को ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने YouTube अकाउंट को यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें। पेज ओपन होने पर राइट साइड में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में से YouTube स्टूडियो को सेलेक्ट कर लें और फिर लेफ्ट साइड में आ रहे मेन्यू में दिए गए सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहां आपको कम्युनिटी दिखेगा, इस पर क्लिक करें, फिर डिफॉल्ट टैब पर क्लिक कर दें। ऐसा करने पर कमेंट ऑन योर YouTube वीडियो सेक्शन मिलता है। यहां अलाउ ऑल कमेंट्स, होल्ड पोटेंशियली इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू और डिसेबल कमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी ऑप्शन चाहते हैं उसके मुताबिक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटा प्रोडक्शन बिल को मॉनसून सत्र में किया जाएगा पेश।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी विधेयक 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अब मीडिया में यह खबर चल रही है कि अब इस बिल को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और 11 अगस्त तक चलने वाला है। बता दें कि इस विधेयक का मकसद निजता के अधिकार के तहत नागरिकों की पर्सनल जानकारी के कलेक्शन, स्टोरेज तथा प्रोसेसिंग के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है। मालूम हो कि इस विधेयक की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के दौर में डिजिटल क्रांति के बीच देश के नागरिकों के डेटा सुरक्षित रखने को लेकर बढ़ते दबाव को देखते हुए ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिसमें आम लोगों का डेटा सुरक्षित हो सके और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस बिल से नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और कर्तव्य को निर्धारित किया जाएगा और डेटा संबंधित फ्रॉड को नियंत्रित किया जाएगा। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, मोटू रंगीला, सदुल्लाह पलवी, बाबूलाल मरांडी, कांति कुमारी, प्रयाग सिंह, अभिषेक कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, राजीव कुमार, कुश कुमार यादव, अतीक खान, तबरेज आलम, सरोज कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको धोनी में क्या सबसे अच्छा लगता है और उनके जन्मदिन पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।